रहिए, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर जिस पर हमने कहा था नजर बनाए रखेंगे। दरअसल राजधानी दिल्ली में शाहीन बाग और कालिंदी कुंज सड़क खुलवाने की मांग पर भी आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। काफी वक्त से ये रोड बंद होने की वजह से यहाँ हजारों लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। रूट जो डाइवर्ट किए गए उसकी वजह से भी लोगों को दिक्कतें होती, घंटों उनको जाम का सामना करना पड़ता था, और इसी को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जामिया में पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दरअसल जो प्रदर्शनकारी वो एक महीने से बीच सड़क पर बैठे हुए हैं और जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि 15 दिसंबर के बाद से ही मथुरा रोड से कालिंदी कुंज की तरफ जाने वाली जो सड़क है वो प्रदर्शनकारियों ने बंद कर रखी, और इसी के लिए आज यहां पर सुनवाई होनी है दिल्ली हाईकोर्ट में। एक तो साधन नहीं आने जाने का, घर जाते हैं रात को 11-12 बज जाते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से पूरा बदरपुर जाम रहता है, वहाँ से जितने बजे आओ पैदल चल के जाना पड़ता है, यानी बहुत बहुत परेशान हो रहे हैं। पूरा D&D घूम कर आना पड़ रहा है जब ऑफिस आ रहे हैं तो, जहाँ हमें निकलना पड़ता था 8 बजे ऑफिस के लिए, अब हमें 7 बजे निकलना पड़ रहा है, पूरे पूरे 2 घंटे का। आज वापस में जाते हुए D&D पे जाम मिल रहा है, पूरा ब्लॉक है। एक महीने से ये रोड जाम है, हुकूमत को इनकी बात सुननी चाहिए, रोड खुलवाना चाहिए। और इसी बीच हमारे साथ दीपक रावत भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, कितने बजे सुनवाई होगी शुरू? जी देखिए, थोड़ी देर बाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं जिसके चलते ये पूरी सुनवाई होनी है। ये कालिंदी कुंज की जगह है जहां से सरता विहार से नोएडा ये लिंक रोड है, और ये लिंक रोड पूरी तरीके से बंद है। 15 दिसंबर से ही ये पूरी रोड बंद है, लोग परेशान हैं, और परेशान किस कदर हैं ये सामने आप देखिए कि लोग यहाँ से पैदल ही कई किलोमीटर तक जाते हैं क्योंकि कोई साधन नहीं है। जो ऑटो हैं वो आधे रास्ते तक इनको छोड़ते हैं, और लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर भी जो पैसे हैं उनसे ज़्यादा लिए जाते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, कितनी दिक्कत हो रही है बंद रास्ते? दिक्कत खास नहीं है, लेकिन दिक्कत तो है, लेकिन उतना दिक्कत नहीं है। आप बताइए कितना प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम उतनी नहीं हो रही है, फिर भी चल ही रहा है, थोड़ी तो प्रॉब्लम झेलने पड़े। पैदल चल रहे हैं, पैदल मिल गए सबको प्रॉब्लम झेलना। और लोग हैं सर, कितनी परेशानी हो गई ये बंद? हाँ, बहुत परेशानी है, बंद होने से बहुत परेशानी है। हाँ, एक महीने से झेल रहे हैं? हाँ, एक महीना झेल रहे हैं, बहुत परेशानी है। हाँ, हाँ, कितना किलोमीटर अब लंबा जाना पड़ रहा है पैदल? हम नोएडा जा रहे हैं पैदल ही। नोएडा जा रहे हैं पैदल? हाँ, हाँ। अच्छा, तो अब ज्यादा टाइम लग रहा है? हाँ, बहुत टाइम लग रहा है। कितनी परेशानी हो रही है इसकी वजह से? यहाँ तो सर बहुत परेशानी हो रही है इन लोगों की वजह से, पता नहीं ये कानून क्या है, क्या मोदी सरकार है। अरे पब्लिक को तो देखो भाई, कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है यहाँ। हम लोग को 4-4 किलोमीटर यहाँ से पैदल चलना पड़ता है। ऑटो वाले हैं, मनमानी पैसा लेते हैं। ज्यादा पैसा ले रहे हैं? मनमानी लेते हैं। उनका क्या ले रहे हैं? यहाँ से 20 रुपए ले रहे हैं। पहले कितना लेते थे? पहले 10 रुपए लेते थे। अब कितना ले रहे हैं? अभी 20 रुपए ले रहे हैं। अच्छा, मनमाना किराया ले रहे हैं? जी जी। क्यों भाई, ये कह रहे हैं कि आप मनमाना किराया ले रहे हैं, रास्ता बंद? बेड सेंचुरियन हम तो चलाते ही नहीं, हम तो बुकिंग में चलते ही नहीं हम। ये बताइए सर, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है आज एक महीने से, इतनी परेशानी हो रही है हद से ज्यादा। गाड़ी में जाते हैं, नोएडा घूम करके जाना पड़ता है या बदरपुर जाना है, 2-3 घंटे लगते हैं। कितना टाइम लग जा रहा है? पहले कितना लगता था? पहले आधे घंटे लगते थे, यहाँ से यहीं से निकलते हैं आधे घंटे। पूरा D&D घूम के जाना पड़ता? पूरा D&D घूम के जाना पड़ता या बदरपुर घूम कर आना पड़ता, 2-2 घंटे जाम में। सर अभी तो आप गाड़ी से उतरे हैं, कहाँ जा रहे थे? अरे नोएडा जा रहे हैं, अभी 2 घंटे में आके लगे जाम में। 2 घंटा लग गया? और क्या। अच्छा, पहले कितना टाइम लगता था? पहले तो ज्यादा 15-20 मिनट। अच्छा, तो परेशानी ज्यादा है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। ये जाम कर रखा है। हाँ। इधर का जो D&D कर घूम के आना पड़े, 2.5 घंटे लगते हैं यार इसको, बहुत परेशान हो। परेशान है लोग, और लोग हमसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा खुल जाए तो परेशानी थोड़ी कम हो। लेकिन कल से हम यहाँ पर मौजूद हैं, कल भी हमने ये रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरीके से जो लोग हैं वो कई किलोमीटर पैदल चलते हैं क्योंकि इससे आगे गाड़ी नहीं जा पा रही है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात हैं, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से भी लोग बार बार बातचीत करते हैं। हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी थी, मैंने कल आपसे बात भी की थी, वहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं। उनकी यही मांग है कि आखिरकार आप आश्वासन तो दीजिए, एक महीने का वक्त हो चुका है, ये सड़कें बंद हैं, आगे आने वाले वक्त में कितने और दिन ये सड़कें बंद होंगी, कोई तो आश्वासन मिलना चाहिए। अभी तक क्या कोई आश्वासन इनको मिला है? जी देखिए, फिलहाल कोई आश्वासन नहीं मिला है, यही लोगों की परेशानी है। लोग ये कह रहे हैं कि इस तरीके से कब तक चलता रहेगा, एक महीने बहुत होता है वक्त जब ये लोग परेशान हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिसकर्मी या जो पुलिस प्रशासन है वो ये कहता है कि मेट्रो स्टेशन सारे खुले हैं, सामने कालिंदी कुछ मेट्रो स्टेशन है, लेकिन इस मेट्रो स्टेशन तक भी पहुँचने के लिए लोगों को कई किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। कई बाइकर्स हमारे साथ हैं। सर ये रास्ता बंद है तो परेशानी हो रही है क्या? बिल्कुल, हमें हॉस्पिटल जाना था, ओली फैमिली हॉस्पिटल जाना था। तो फिर तो गंभीर समस्या है, फिर तो क्या आप कैसे जा रहे हैं, फिर कैसे जा पाएंगे? अभी पता नहीं कहाँ से जाएंगे, ढूंढना पड़ेगा रास्ता कहीं और से। अच्छा, हाँ ये बताइए सर, कितनी
और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां सांसद प्रज्ञा ठाकुर को एक धमकी भरा खत दिया गया है। ये संदिग्ध लेटर उर्दू में लिखा गया है। बताया गया कि एक पैकेट में बंद ये लेटर था, लेकिन कुछ पाउडर जैसी चीज भी इसमें थी, जिसे हाथ लगाते ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के हाथ में इचिंग शुरू हो गई। फॉरेंसिक टीम अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसमें कुछ तस्वीरें भी है, आतंकी संगठनों के सरगनाओं की तस्वीर है, जिसमें हाफिज सईद की तस्वीर है, साथ ही साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, जिन पर क्रॉस का निशान बना है। इशारों में यह धमकी पत्र है, वो उर्दू में है और उसके साथ काफी कुछ पत्र लगे हुए हैं, तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और अजीत जी डोभाल, कश्मीर के राज्यपाल जी, मेरा सबके फोटो पे क्रॉस लगा है और उसमें कुछ पदार्थ आया है जो पाउच में है और उसमें के अंदर एक और पाउच है, ऐसे दो डबल पाउच है, उसमें कुछ है जो कि खतरनाक है। उसको जरा सा खोलते पत्र खोला तो उसी समय इचिंग होने लगी, तो मैंने तत्काल पुलिस को कॉल किया और पुलिस आई है, वो पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है आगे। क्या लग रहा है दीदी, इस तरीके का पत्र आना और पाउडर? कई पत्र आए हैं मेरे पास, कई पत्र आए हैं और मैंने यहाँ की पुलिस को जानकारी भी दी थी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। और ये इसलिए पहले भी मैं बोल चुकी हूँ कि इनकी उदासीनता है इस प्रकार। क्या पहले भी इस तरीके के लेटर आ चुके हैं? अभी जो लेटर आया है, जो पुलिस जानकारी दी है, फोन कॉल्स भी आते हैं, उसकी भी जानकारी दी है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अभी तो ये पदार्थ भी आ गया उसमें कुछ, तो ये बहुत खतरनाक है। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं भोपाल से। मनोज, साध्वी प्रज्ञा ये आरोप लगा रही हैं कि इस तरह के कई और धमकी भरे पत्र आते रहे, फोन कॉल आते रहे, लेकिन इस चिट्ठी के जरिए क्या कुछ और पता चल पाया है, किसने भेजी है? जो पुलिस सूत्रों से हमारी बात हो रही है, तो पुलिस का कहना है कि पहले साध्वी की तरफ से इस तरह की शिकायत नहीं की गई है, ये पहली मरतबा उन्होंने ये शिकायत की है। और ये पत्र भी जो आया है, ये जो लिफाफा आया है, लिफाफा खुद साध्वी ने बताया और पुलिस भी इस बात की तस्दीक कर रही है कि अक्टूबर में पत्र आया था, अक्टूबर 2019 में ये पत्र आया था, उसके बाद नवंबर दिसंबर दो महीने बीत गए और जनवरी में जाकर इस बात की उन्होंने पुलिस को सूचना दी है, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने पत्र को बाद में खोला। लेकिन ये सच है कि जो पत्र मिला है, जो एक लिफाफा है, उसमें एक पाउडर है, सिल्वर कलर का पाउडर है, जिसको जिसकी साध्वी का दावा है कि इसको खुजली हो रही है, उसको एफएसएल ने जांच के लिए भेजा है, उसकी तस्दीक होगी कि आखिर उस पाउडर में क्या था, सारी चीजों की पुलिस अभी जांच कर रही है। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा को उर्दू में यह धमकी भरा खत।